इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी, मैं आपके साथ नेहा। इस वक्त अपडेट की बात करें तो नीमच जिला ताइक्वांडो संघ ने रंगीन बेल्ट परीक्षा का आयोजन किया, जिसमें सभी 70 खिलाड़ियों ने रेलवे एससी एसटी ऑफिस रेलवे टेम्पो स्टैंड के पास से दौड़ लगाना प्रारंभ की। दौड़ के माध्यम से सभी खिलाड़ियों का फिजिकल स्टेमिना का निर्धारण किया गया। दौड़ विशलवास कला स्थित हनुमान घाटी पर संपन्न हुई। दौड़ के पश्चात सभी खिलाड़ियों ने अपनी अपनी बेल्ट कैटेगरी के अनुसार हनुमान घाटी स्थित पर्वत पर ब्लॉक पंच के सेल्फ डिफेंस एवं फाइट की परीक्षा दी। इसके अलावा सभी खिलाड़ियों को विपरीत परिस्थितियों में भी सुबह से बिना कुछ खाए इस बेल्ट परीक्षा उत्साह पूर्वक भाग लिया। बेल्ट परीक्षा में खिलाड़ियों को जंगल में उपस्थित महत्वपूर्ण औषधियों के बारे में भी जानकारी दी गई। वहीं समीक्षा कैथवास उम्र मात्र 6 वर्ष में इतनी कठोर परीक्षा को पास करके छोटे खिलाड़ियों के लिए मिसाल पेश की है। बेल्ट परीक्षा मध्य प्रदेश ताइक्वांडो संघ के नियम अनुसार नीमच जिला ताइक्वांडो संघ के कोच मोहम्मद आरिफ कुरेशी, अभिषेक बैरागी, कृष्णा सिंह सिसोदिया, चिराग वाकुडे, ताहिर मुस्कान मीणा, इशिका रावत द्वारा ली गई। इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि एवं नमो ग्रुप प्रदेश अध्यक्ष रोशन वर्मा एवं नीमच जिला ताइक्वांडो संघ के अध्यक्ष रतन लाल निर्माण ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवा कर एवं बच्चों से परिचय प्राप्त कर दौड़ के माध्यम से बेल्ट परीक्षा का शुभारंभ किया। नीमच जिला ताइक्वांडो संघ के मनोज सिंह लोदा, समस्त पदाधिकारी, मध्य प्रदेश ताइक्वांडो संघ के सचिव वीरेंद्र सिंह पवार एवं समस्त परिजनों ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी एवं उज्जवल भविष्य की कामना की। नीमच से रतन पंडित की ये रिपोर्ट।